ये हमारा घर है खेत में, और हम जा रहे हैं अब नीचे। नीचे भी हमारा घर है, और ये हमारी ताई का घर है। ये मेरी ताई है जो बैठी है। मिलते हुए चलेंगे, चल तो फिर आके मिलेंगे। और ये हमारे गांव का सड़क है, और नीचे भी रहते हैं, हमारे घर नीचे भी है और यहाँ पे भी। हम अब नीचे जा रहे हैं। ये सड़क है खुली गांव, ये हमारा गांव है। देसी गांव का भी लोग आएगा आपके पास देखा। अब तो बहुत कुछ बदल गया है, पहले ये सड़क भी थोड़ी अभी चौड़ी हो गई है, कितनी आराम से हाईवे बन गया अभी, है ना। चार दुकान है, उसमें दूध है, बीच वाले में डीजे का वो है। हाँ। और इसमें लाइट फिटिंग का काम होता है। अच्छा। और इसमें तो ब्याह शादी में फिटिंग होती है। तो ये हमारे यहाँ का गांव का देसी कल्चर है। यहाँ पे जो भैंस पोटी करती है वो गोबर डालते हैं ना। ये टंकी, यहाँ से पानी जाता है सबके घरों में पीने का। मम्मी ये भी हमारी जगह है, ये वाली अभी बने नहीं है इसमें मकान, वैसे ही प्लॉट है तो इसमें भैंस वैंस बंध रही है। गाय भी रख रखी है। अच्छा, तो ये भी हमारा ही जगह है, इसमें अभी बने नहीं है मकान, तो ऐसे ही भैंस वैंस बांधते हैं इसे। और फिर ये इधर है, ये इधर ये दुकानें खुल गई है खाद बीज की, मेडिकल के। ये हमारा कुआ है पुराना, बाल बहुत बड़े बड़े बढ़ रहा है, नीचे पड़ी के बाल देखी। ये कपड़े किसके गिरे हुए हैं, इनके ही होंगे। चीकू के कपड़े गिर गए नीचे। और ये कुआ है, ये गोबर थाप रखा है। है हमारा पुराना घर जिसमें हम रहते थे पहले, शादी से पहले, जिसमें मम्मी पापा रहते थे मेरे और मैं की बैठक। आ गई रीना देवी, ठीक है। और ये कौन है, है भाई प्रिंस, क्या हो गया प्रिंस को, जुखाम लग रही है प्रिंस, तबीयत ठीक हो गई। ये चीकू का भाई है प्रिंस, है चीकू का भाई प्रिंस। हाँ, ये देखो गाँव में भैंस ऐसे रहती है, गाय गाय का बछड़ा। और इधर हमारा गांव का मंदिर है, उसमें जा रहे हैं आज, एकादशी है ना, तो आज वहाँ मंदिर के दर्शन करके आएंगे। ये मंदिर आ गया हमारा गांव का। हमारे गांव का मंदिर दो तीन थी ना, कोई नहीं यहाँ से चल लेते हैं हम तो। तो ये है उत्तम दास जी बाबा की फोटो, और ये यहाँ पे समाधि ले रखी है इन्होंने, और यहाँ पे एकादशी कल करी थी। ये पे चढ़ा दो, ये है उत्तम दास बाबा जी, ये हवन कुंड है, और ये उत्तम दास बाबा की फोटो, और ये छतरी बनी हुई अंदर। हमारे दादा पर दादा बताते थे पापा पहले इन फोटो में, किस में बताते थे। हाँ, जब हम बर्थ करते थे ना श्रावण के, तो इस वाले शिवालय में आते थे जो आपको दिखाएंगे आगे, और गांव में सरसों के खेत भी दिखाएंगे आपको।
नींबू जैसे होंगे, मोटे वाले वो होते हैं तो संतरा होंगे, नहीं मोटे वाले वो होंगे नींबू जिनके अचार उचार डलते हैं। हमारी यहीं पे पूजा करते होली का ना, यहाँ बनता था, यहाँ पूजते अभी भी यहीं बनता है एक, है ना। और ये देखिए गेहूँ उग रहे हैं खेतों में गांव के, ये सरसों और इसी वाले में आते थे हम। एक होली यहाँ बनती है, वहाँ दो होली बनाते हैं ना अलग अलग, अब एक बनने लग गई। एक मना से एक अपना घर का। ये देखिए गांव की हरियाली कितनी हरियाली हो रही। और इस वाले मंदिर में आते थे हम जब कभी भी, हमेशा व्रत करते थे तब। यही निकाल दें चप्पल। तो यह है शिवाला और यहाँ पे हम आते थे हमेशा, सोमवार को व्रत रखते थे तब भी आते थे हम, और वैसे कोई भी व्रत रखते थे तभी आते थे। जय भोले बाबा, जय गणपति गणेश, जय भोलेनाथ, जय नंदीश्वर भगवान। तो आज याद आ गई हमें। जय माँ पार्वती, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। तो ये हमारे गांव का शिवाला देखिए, और उधर हनुमान जी की मूर्ति देखिए, यहाँ पे हम आते थे हमेशा। जय हनुमान जी। वहाँ से लगाते हैं नीचे पैर से। चल थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे। ये हमारे गांव की लाइफ देखिए, सरसों सरसों गेहूँ। तो चलिए चलते हैं हम घर पे। मंदिर हमने देख लिया, धूप भी हमने खा ली, और वो हमारा गांव का जो पुराना मंदिर था। अब हम चलते हैं घर पे, फिर मिलते हैं आप। भोपाल है, यहाँ पे लोग वो खेलते हैं ताश। पहले हम बहुत पेड़ थे बड़े बड़े। तो ये हमारे गाँव के चौपाल है। गांव की स्कूल है जिसमें हम पढ़ते थे पहले, है ना, पढ़कर निकल चुके हैं। ये स्कूल है हमारे गांव। तो ये छोटी वाली पहाड़ी है, ये अपना खाना खा रही है, इसमें कुट्टी और घास है। ये है बस के चटनी तैयार है ना, ये भी तो बहुत मन कर रहा है चटनी तैयार।
पर अंतरी सी आड़े इधर असी सारा खट्टे की सब्जी बन रही है गजरे की और ये बनाने वाली है ये बैठी इधर छोटी की मम्मी है छोटी की मम्मी गजरे का साग बना रही है ये छोटी बैठी पास में ही चूल्हे पर